मुजफ्फरपुर जिले में MLC सीट पर दिलचस्प मुकाबला होगा। आपको बता दें, MLC पद उम्मीदवार इंजीनियर ब्रज बिहारी से हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने खास बातचीत की है। तो उनका कहना है कि वह डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों को हर परिस्थिति से अवगत कराते हैं। वह शिक्षित नवयुवक हैं, नई सोच के साथ आए हैं। उनका एक ही एजेंडा है, सिर्फ विकास का। उन्होंने मीडिया को बताया कि ऐसे छव के प्रतिनिधि को लाएं जो अपने समाज एवं क्षेत्र का विकास कर सके। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, महिलाओं के स्वावलंबी बनाने में और रोजगार का सृजन करना, युवकों को रोजगार मिल सके ताकि उनको बाहर न जाना पड़े, हमारा समाज भ्रष्टाचार और भयमुक्त हो। इन्हीं कुछ विकास के मुद्दों को लेकर वह चुनावी मैदान में उतरे हैं। इस दौरान उन्होंने और कुछ क्या कहा है, देखिए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मुजफ्फरपुर MLC चुनाव की सरगर्मी काफी जोरों पर हो चुकी है। यहां से प्रत्याशी हैं इंजीनियर ब्रज बिहारी जी, जो मुजफ्फरपुर से MLC का चुनाव लड़ रहे हैं, और इनसे हम आए हैं, बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या इनकी रणनीति है इस चुनाव में, इसलिए कि यह मुजफ्फरपुर MLC चुनाव हॉट के नाम से जाने जा रहा है, क्योंकि यहां से दो बार पूर्व रह चुके और वर्तमान हैं दिनेश जी, और राष्ट्रीय जनता दल से आए हैं शंभु जी, और ये अपने इंडिपेंडेंट खुद खड़ा हुए हैं MLC के चुनाव में। इनसे जानना चाहेंगे कि क्या इनकी सोच है, वो क्या इस चुनाव में क्या क्या करना चाहते हैं जनता के लिए, ग्रामीणों के लिए, क्या यह रणनीति बनाए हैं और विकास को कहां ले जाना चाहते हैं, क्या यह सोच रखते हैं यहां के जनताओं के लिए। इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे विशेष रूप से। आइए इनसे बात करते हैं और जानना चाहते हैं इस चुनाव को लेकर के अपना पूरा परिचय। मेरा नाम ब्रज बिहारी हुआ, चतुर्सी पंचायत मीनापुर प्रखंड से हम बिलोंग करते हैं। मीनापुर को तो आप ऐसे भी जानते होइएगा कि मीनापुर क्रांतिकारियों की धरती रहा है जी। जुब्बा सहनी जैसे वीर लोग वहाँ से आते हैं। और दूसरी चीज कि जहाँ मीनापुर की बात आती है तो बाकी परिचय क्या, मतलब सब लोग जान ही रहे हैं चीज को। बात रही MLC चुनाव की, तो इस चुनाव का जो स्थिति और परिस्थिति है, काफ़ी दिनों से किस स्टेज में है, कैसे हो रहा है, कैसे जनप्रतिनिधि यहाँ चुने जा रहे हैं, यहाँ प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि कैसे चुने जा रहे हैं, ये सब चीज़ आप मीडिया के लोग हैं तो आपको पता है, छुपा हुआ नहीं है आपसे। रही बात कि हमारी मतलब रणनीति क्या है, तो रणनीति इसमें देखिए, रणनीति अगर MLC की चुनाव की क्या होनी चाहिए, क्या है, इन सब चीज़ पर चर्चा करनी तो दूर की बात है। मतलब पहले मैंने जब भी इस MLC चुनाव के बारे में सोचा और जब इस फील्ड में आया, उसी समय मैंने देखा कि ऐसे ऐसे लोग जो इस मुजफ्फरपुर में अपने आप को स्थापित करके बैठे हुए हैं, उनके लिए कोई रणनीति बनाने की बात नहीं है। लोग काफ़ी उबे हुए हैं उनसे, और लोगों से मिलना, उनसे मिल करके उनके बारे में जानना, जो हमारी एक थीम है उस थीम को उनसे डिस्कस करना, यही एक हमारी मेन रणनीति थी। लोगों के डोर टू डोर जा करके उनसे बात करके उनको जो स्थिति परिस्थिति है उनको बताना, क्या हमसे बेहतर वो जानते हैं। उनको आज तक ढंग का कोई ऑप्शन नहीं मिल पाया। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग स्थापित हैं जिनके सामने कुछ लोग आने के लिए डरते हैं, जो आना नहीं चाहते हैं। अब आप कहिएगा कि आप क्यों आए, तो मेरा मानना था कि इस बार के चुनाव में काफ़ी नौजवान लोग पंचायत प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, और हम भी एक नौजवान हैं, और हम भी अगर वही सोचे तो बिना किसी नौजवान को इस फील्ड में आए, एक नई सोच के साथ आने के बाद ही कोई चेंजिंग लाया जा सकता है और बदलाव किया जा सकता है। और इस मोड से हम आए कि यहाँ लोग जो नौजवान हैं, एक खुल करके एक नई दिशा और दशा इस मुजफ्फरपुर के विकास के लिए देने का काम करेंगे, एक अच्छे प्रतिनिधि को चुनने का काम करेंगे। या आप जैसे बोल रहे हैं कि पहली बार आपने मैदान में कदम रखा है जी, तो कहाँ से सोच, कहाँ से प्रेरणा, कैसे आपके मन में यह प्रश्न आया कि मैं अब यहाँ से लड़ूंगा, क्यों? चलिए, तो अच्छी बात आपने हमसे एक क्वेश्चन पूछा, जिसमें आप देखिएगा कि यहाँ पे चुनाव 10-11 चरणों में हुआ है पंचायत का जी। जो भी त्रिस्तरीय पंचायत लेवल के चुनाव हुआ है, इनमें हमारे मीनापुर में आप हम जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, हमारे दादाजी 20 साल मुखिया रहे हैं वहाँ। इस बार हमसे जो बड़े भाई हैं वो मुखिया बने हैं, और ये मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं मीनापुर के जी। जब मेरे यहाँ 7वां चरण में चुनाव हो रहा था,
उससे पहले इस मुजफ्फरपुर के 6 चरण का चुनाव हो चुका था, मानी बिहार के त्रिस्तरीय पंचायत का। वो 6 स्तर के चुनाव में ही, मतलब जब हम 7वें चरण में जो हमारे यहाँ चुनाव हुआ उसमें हम घूमना शुरू किए तो कहीं कहीं से आवाज आने लगी, एक हबगब, नहीं बोलते हैं भाषा में देहाती की, एक मतलब हबगब होने लगा चारों जनता में कि कुछ हो रहा है, कहीं पे किसी का सर्टिफिकेट जब्त किया जा रहा है, किसी के मुंह को बंद किया जा रहा है। इन सारी चीज़ों को मैंने सुना, इस पे एनालिसिस किया, देखा तो लगा कि नहीं, मुजफ्फरपुर में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। और इस एनालिसिस के बाद पता चला कि हाँ, यहाँ पे एक अच्छे लोगों की जरूरत है, अच्छे राजनेताओं की जरूरत है, और हो सकता है कि इस बार के चुनाव में वैसे लोग आएंगे और कुछ न कुछ तो बदलाव होगा, क्योंकि इस बार अच्छे खासे रूप में बदलाव हुए हैं, अच्छे खासे रूप में नौजवानों मतलब राजनीति में, खास करके पंचायत स्तर के राजनीति, ब्लॉक स्तर के राजनीति में सक्रिय हुए हैं और लोगों ने उनको चुना है, तो कुछ होगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप क्या मतलब इसमें बताया जाए, अगर कहा जाए तो एक एक कविता है इस पे जो लिखी गई है, उसमें मतलब उसका शुरुआत यही से होता है कि राजनीति के दाव पेच में या दबंगों के दाव पेच में डगमग लोकतंत्र की नाव, छला गया है हर मतदाता, अब की किसका करे चुनाव। इसका शुरुआत यहाँ से है। और जहां तक बात रही कि लालटेन वाली, तो इसमें एक लाइन यहाँ भी है कि लालटेन के जिस पार्टी ने सोशल जस्टिस को अपनाया, लालटेन की जिस पार्टी ने सोशल जस्टिस को अपनाया, ए टू जेड के मोह जाल में उसने वोटर को भरमाया। चीज तो आप समझ गए होंगे कि उसके जो ए टू जेड वाली मोजाल है, उसने वोटर को भरमा। कुछ चंद लोग हैं जो अच्छी शिक्षा ले पा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि जहां तक मैं मुद्रा की बात कर रहा हूं, मुद्रा वाले लोग जो हैं अच्छी शिक्षा ले पा रहे हैं, डॉक्टर बन पा रहे हैं लोग मुद्रा से, पैसे से, इंजीनियर बन पा रहे हैं डॉक्टर पैसे से, अच्छे कंपटीशन की तैयारी कर पा रहे हैं पैसे से, दिल्ली मुंबई जा रहे हैं पैसे वाले लोग, जिसकी संख्या बहुत कम है, बहुत कम मुट्ठी भर लोग हैं वैसे, लेकिन एक बहुत बड़ा सेक्शन है, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो शिक्षा से भी वंचित हो जा रहा है। क्वालिटी की शिक्षा तो उनको नसीब तक नहीं हो पा रही है। हमारे मतलब प्लिंथ लेवल पे गांव, समाज, जिला में जो बहुत बड़ा वर्ग है उसको किस तरह की शिक्षा, सरकारी शिक्षा मिल पा रही है, क्या आपसे छुपा हुआ है? क्या उसमें सुधार होने की बात कोई राजनेता, कोई नेता कर पा रहे हैं? नहीं ना कर पा रहे हैं। वहां सुधार होना चाहिए। सब लोग उनके हक अधिकार की बात करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर शिक्षा को सुधार दिया जाए, स्वास्थ्य को सुधार दिया जाए, तो किसी मतलब रोजगार की बात कर ली जाए, स्पेशली अगर शिक्षा को अच्छे लेवल तक क्वालिटी की शिक्षा व्यवस्था कर दी जाए और लोग जब शिक्षित होंगे तो आपको उनके हक अधिकार की बात किसी भी राजनेता और नेता को करने की जरूरत नहीं है। वो स्वयं अपने हक और अधिकार को लेने के लिए मतलब सक्षम हो जाएंगे। इस सवाल पे आपके एक मतलब पत्रकार महोदय और एक हमारे साथी भी पूछे थे कि आज तो देख रहे हैं कि जितने शिक्षित लोग होते हैं उतने भ्रष्टाचार बढ़ जाती है, कि जितने जितने शिक्षित लोग होते हैं भ्रष्टाचार बढ़ती है, वो और मतलब करप्शन फैलाते हैं, वैसे वैसे लोग को आप कैसे कह सकते हैं कि शिक्षा, जब शिक्षित लोग हो जाएंगे तो मतलब डेवलपमेंट की बात होगी या मतलब एक सौ कुछ भी होगा, ये आप भी इस सवाल को कर सकते हैं, आपके मन में नहीं चल रहा होगा। लेकिन मैं मानता हूं कि जो लोग भ्रष्टाचार कर पा रहे हैं, जो लोग अपने आप को शिक्षित समझ रहे हैं, कितना परसेंटेज है उसका आपके जिला में? एक मतलब अगर देखा जाए तो हाई लेवल का एग्जांपल लीजिए ना, एक आईएएस ऑफिसर एक होते हैं, जिला अधिकारी एक होते हैं, मतलब एसपी डीएसपी रहकर लोग एक दो चंद, एक 10-20-50 लोग हैं जो हाई लेवल की शिक्षा ले पा रहे हैं। अब जहां आपके पास 10 लाख लोग कतार में बैठे हुए हैं, जो जिनके पास ढंग की शिक्षा व्यवस्था नहीं है, जो ढंग से एजुकेटेड नहीं है, जो मतलब उस ढंग के लोग नहीं है, जो समझ नहीं पा रहे हैं, अपने अधिकार को नहीं समझ पा रहे हैं, वैसे वैसे लोग हैं, तो क्या बहुत ही, जिसको आप बोलते हैं कि बहुत पढ़े लिखे लोग ज्यादा मतलब भ्रष्ट होते हैं, करप्ट होते हैं, तो उनकी संख्या कम है इसलिए ना उन लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं। लेकिन अगर चारों तरफ आईएएस का ही व्यवहार हो, चारों तरफ मतलब एजुकेटेड लोग ही हो, चारों तरफ मतलब पीएचडी लोग हो, चारों तरफ ग्रेजुएट लोग ही हो, तो उसमें आप किनके साथ आप मतलब गलत कर पाइएगा, किनके साथ आप भ्रष्टाचार कर पाइएगा? सारे के सारे एक साथ जब खड़े होंगे, सबका लेवल एक होगा, तो आपकी सब पक नहीं चलेगी। उस समय आप उस रास्ता को ही नहीं चुनिएगा, आपको स्वच्छ रास्ता चुन के चलना पड़ेगा। और शिक्षा ऐसा चीज है कि सारे के सारे लोग को अपने रास्ते पर चलना पड़ेगा, पारदर्शिता लाना पड़ेगा हर परिस्थिति में।
तो विकास को लेकर के आप क्या सोचे हैं? क्या यहाँ पर काफी ज्यादा है, 10 वर्षों से लोग रह चुके हैं, लेकिन विकास हमारा मुजफ्फरपुर सिटी है, प्लस आपका क्या बोलते हैं, अभी हम लोग काफी डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारी ऐसी जगह है जो कि हमारा अभी पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, सड़क की व्यवस्था नहीं है, मतलब चरमरा सी गई है, हमारा शहर पूरा चरमरा गया है। बिल्कुल, तो उस पर क्या आपने क्या कुछ करने का क्या इच्छा रखते हैं, क्या कैसे अगर ग्रामीण आपको जनता मौका देती है तो? बिल्कुल, जब भी हमको ऐसा मौका मिलेगा, मैं जितनी सारी बातें आपको बताया हूँ ये सब प्राइमरी मेरा जो होगा, मतलब ये रखा जाएगा फोकस में कि इन सारी चीजों पे कार्य किया जाए। आज जो आप बताए हैं कि यहाँ पानी की समस्या है, नाली की समस्या है, स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ यह मतलब कागजों में है जी, या न्यूजों में है, लेकिन प्लिंथ पे कुछ नहीं है जी, जी। ट्रैफिक की समस्या है चारों तरफ, जो मतलब शहर का स्थिति है एकदम चरमराया हुआ है। इन सब चीजों को स्मार्ट बनाने के लिए जो चीज आया है, जो सरकार की नीति आई है, जिसको प्लिंथ पर उतारा नहीं जा रहा है, उन सब चीजों को धरातल पर लाने का काम किया जाएगा। जैसे अभी हमारा प्रधानमंत्री या आपके हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, महिला सशक्तिकरण पर काफी जोर देते हैं, तो उसके लिए आपने कुछ सोच रखा है क्या है? अगर ग्रामीण मौका जनता मौका देती है तो क्या आप महिलाओं के लिए क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल, महिलाओं के लिए जो सशक्तिकरण की बात, सारे मतलब सरकारी संस्थाएं जितने भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इन सब लोग कर रहे हैं, और रियलिटी वही है कि वह भी धरातल पर नहीं आ रही है। आज के डेट में अगर देखा जाए तो स्किल इंडिया मैं कि मतलब जो का नाम देकर के जो एक संस्था चल रही है, क्या आपको लगता है कि वो धरातल पर है? अगर ऐसा नहीं है तो मेरा प्राथमिकता होगा कि जो चीज चल रही है, जो सरकार की दी हुई रन मतलब सारी संस्थाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उसको भी पारदर्शिता के रूप में उसको ही प्लिंथ पर लाया जाए, जिससे लोग में जिससे महिलाओं में एक जागरूकता हो, जो लोग चीज को सीखे, लोग एक स्किल्ड बने और रोजगार का सृजन हो यहाँ से, लोग जो स्वावलंबी बने, स्वावलंबी बने लोग और होंगे लोग। ऐसा जब मौका मुझे मिलेगा तो इन सारी चीजों पर काफी जोर शोर से कार्य किया जाएगा और इसको प्लिंथ पर उतारने का कार्य किया जाएगा, जो आज पेपरों में है उनको धरातल पर लाने का काम किया जाएगा। हमारा भारत किसान प्रधान देश है, कृषि पर आधारित है। बिल्कुल, तो कृषि में बहुत ऐसे देख रहे हैं कि बीज है मुहैया नहीं हो पाता है, समय पर पानी नहीं मिल पाता है, किसान के लिए जो मुआवजा आता है वो उनको मिल नहीं पाता है, तो कहाँ कैसे क्या? इसमें भी अब जो मैंने बताया कहीं ना कहीं इसकी ही वही चूक है ना, जो सरकार कुछ व्यवस्थाएं करके रखी है, ऐसा नहीं है कि ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है, है, लेकिन उसको पारदर्शिता के रूप में उसको प्लिंथ पर लोगों तक नहीं लाया जा रहा है। हमारा पहला प्राथमिकता आ रही है जिस पार्टी का शुरुआत ही सोशल जस्टिस से हुआ था, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है, तो लालटेन की जिस पार्टी ने सोशल जस्टिस को अपनाया और आपका जो ई मतलब ए टू जेड के वो जान ले उसके वोटर को भरमाया, जिसका डर था वही हुआ, वही बना प्रत्याशी, वोटर क्या करे, वैसे मतलब खुद को कैसे चढ़ जाए फांसी वैसे वैसे लोग को चुन करके। तो इन सब चीजों को देख करके ऐसा लगा कि नहीं, अब ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी न किसी को अब आना चाहिए, इसलिए जैसे आपने कहा कि आप लेट आए, हो सकता है उसके बाद हम आए, इसमें हमको लगा कि नहीं जरूरत है अब आए, और आज हम फील्ड में हैं, लोग का अच्छा प्यार और स्नेह मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, और हो सकता है कि इस बार बड़े बड़े सुरमा लोग को जब रिजल्ट आए तो उनके पैरों तले जमीन न रहे, ऐसी स्थिति भी बन रही है, क्योंकि लोग इस बार अच्छे लोगों के चुनाव के लिए हैं। लेकिन मेरा जो थीम है, आप विकास की बात कहें, मेरा जो मेन थीम है कि हम चाहते हैं कि राजनीति की जो परिपाटी है वो बदले जी, राजनीति की परिपाटी इस रूप में बदले कि आज के डेट में अगर देखा जाए तो पूरे मतलब इस बिहार क्या, इस मुजफ्फरपुर क्या, इस पूरे बिहार या और जगहों पे एक नैरेटिव बना हुआ है कि दबंग लोगों का शासन हो जी, मुद्रावादी व्यवस्था हावी हुआ है, इन सब नैरेटिव को चेंज करने की जरूरत है, ऐसे लोग राजनीति में आने चाहिए। आज हमको लगता है कि एक दबंग लोग, एक ऐसे लोग राजनीति में स्थापित है, उनको तोड़ने के लिए उन्हीं की परिपाटी के टाइप के उन्हीं की तरह के लोगों को लाया जा रहा है। अब आप एग्जांपल हम चाहेंगे आपको देना कि अगर दिल्ली का, दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल जैसे लोग जब आए तो उनके लिए बीजेपी ने खड़ा किया किरण बेदी जैसे लोगों को, अरविंद केजरीवाल आईएएस ऑफिसर थे तो इसलिए उनको एक उनके अपोजिट में दिया गया कि हाँ किरण बेदी एक आईएएस ऑफिसर है और उनके सामने उनको लाया गया। तो आज मुजफ्फरपुर में एक्स वाई जेड लोग स्थापित है, इसलिए एक्स वाई जेड जैसे लोग को लाया जा रहा है।
मैं चाहता हूं कि ये परिपाटी बदले, एक अच्छे लोग फील्ड में आए, पढ़े लिखे लोग आए, नौजवान आए, तभी जाकर के किसी मतलब दूसरे तरफ से भी उसी टाइप के लोगों को मौका मिले और यहाँ का जो स्थिति परिस्थिति है, जो यहाँ का नैरेटिव लोगों का सेट है, मतलब मुद्रा वाली दबंगई वाली, ये सब हटे और विकास के मोड पर लोग आए, ऐसे जनप्रतिनिधि आए जो विकास की बात करे। आज कितने दिन से लोग स्थापित है लेकिन विकास की बात कौन कर रहा है, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। एक मतलब मुजफ्फरपुर का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, किसी न किसी रूप में इसके इतिहास को धूमिल किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर वैशाली एक लोकतंत्र की जो मैं कहा जाए जननी वाली धरती है, किया जा रहा है। इन सब चीजों से हम चाहते हैं कि लोग बाहर आए। ग्रामीणों को क्या करना चाहते, ग्रामीण जितने भी तमाम नव निर्वाचित जनप्रतिनिधि लोग हैं, जितने भी हमारे मुजफ्फरपुर के आम जनता लोग हैं, मैं उनको भी स्पेशली मैं कहना चाहता हूं जनप्रतिनिधि जन को, और उसके साथ साथ मैं मुजफ्फरपुर के आम जनता को भी कहना चाहता हूं कि आप लोग चुनाव जो भी हो, चाहे वो एमएलसी हो, एमएलए हो, एमपी हो या पंचायत लेवल के हो, आप लोग जो पद्धति पे चल रहे हैं, समाज आपका जिस रास्ते पे जा रहा है, इस मुद्रा वाली नीति को खत्म करने की जरूरत है। समाज बहुत ज्यादा उस ऐसे जोन में जा रहा है, ऐसे डार्क जोन में जा रहा है जहां सामाजिक न्याय की बात नहीं हो रही है, मुद्रा की बात हो रही है। और उससे हो क्या रहा है कि ऐसे ऐसे लोग चुन कर आ रहे हैं जो आपके हक अधिकार को छीन करके आपको वहां तक सीमित नहीं छोड़ रहे हैं, जो बेसिक नीड है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आपको जो स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार की बात होनी चाहिए उसकी बात भी नहीं कर रहे हैं, आपको जो रियल सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए उन सारी सुविधाओं को लेकर के अपने चंद मुट्ठी भर लोगों में वितरण कर रहे हैं। और जो समाज में एक स्थायी है वो बढ़ता चला जा रहा है, हर स्तर पर, शैक्षणिक स्तर हो तो, आर्थिक स्तर हो तो या सामाजिक स्तर हो तो, सारे चीजों में जो एक खाई पैदा होते जा रहा है, इस खाई को भरिए। क्योंकि आज आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है, एक आने वाले समय में आप एक ऐसे जोन में जा रहे हैं कि इसका जो एक दुर्दशा है, जो एक इम्पैक्ट है, वो बहुत ही गलत आने वाला है। और इसलिए इनसे बचिए, इसलिए हम इस बीच में आए हैं कि इस चीज को आप समझिए, फिर से आप उस ओर नहीं मूव कीजिए जहां से आप निकल करके आज इस लेवल तक आए हैं, और फिर से उसमें बैक गियर ना लगाया जाए। इन सब चीजों को लेकर ही हम मतलब विशेष रूप से इन्हीं चीजों को हम कहेंगे कि वो लोग इस पर ध्यान दें, विचार करें और तब अपना मताधिकार का मतलब जो प्रयोग करें। देखिए, इनसे बात करने के बाद में यह निष्कर्ष निकला है कि इनका कहना है कि सही में विकास का 2-4-5 मुद्दे हैं जिस आधार पर किसी भी गांव का, शहर का, स्टेट का, हमारे पूरे भारतवर्ष का विकास हो सकता है। आज तक विकास के मुद्दों को लेकर के ही जनता कभी बैठाती है, कभी उतारती है। जनता चाहती है विकास। अब आने वाला वक्त बताएगा कि कौन विकास के माध्यम को लेकर के इस पद पर बैठती है और वहाँ ग्रामीणों का, जनता का, जनप्रतिनिधि का, पूरे हमारे समाज का विकास कर पाती है। सहयोगी के साथ अभय कुमार श्रीवास्तव, टीवी और इंडिया न्यूज, मुजफ्फरपुर।